صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي محافظ مقائد مناصر من دليل ما إن أنت تسكنه أرضك أن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صلى محمد وآل محمد يا قائم آل محمد أدركني يا قائم آل محمد عرفني في سبيل الله يا قائم آل محمد الله جل الله جل يا قائم آل محمد الله جل الله جل بك سيدة النساء العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد नारे तकबीर शुक्रिया काफ़ी दरा तशी फरमाओ मेहरबानी फरमाओ बवाज बुलंद आखो नारे तकबीर शुक्रिया जी नारे रिसालत अपनी जबान की पाकिजगी के इजाफे वास्ते अपनी इज्जत वास्ते उच्चा बोलो नारे रिसालत नारा हैदरी ऐलान कदीर याद रखते हैं सरकार के फरमान याद रखते हैं सुन्नत नबवी ते अमल करके हाथ बुलंद करके हर हलाली बोले हैदरी हालांकि कायनात तमाम मोमिन का बादशाह हुसैन के जिक्र च जितने कदम मोमिन तुर के आए जीने तो वज हुला तुहाडे अकीदे के मुताबिक तुहानू बेहतरीन नजर अता फरमाए वाजिब इहतराम इंतहाई वाजिब कदर इज्जत नाम आली मरतबत मेरे साहिबान दा पुरखलूस सफमातम यकीनन कबूल है मालिक नदी इज्जत तौफीकात इजाफा अता फरमाए बस दे रहनो वेड़े आबाद रहनो घर जिथा जिक्र बादशाह हुसैन हुंदा है मालिक उन्होंने लोगों नू उन्हें जाइए अपने जमान च रखे जिन्हें मेरे मौला का जिक्र अपनी जिंदगी का मकसद समझते हैं मालिक थोड़ी नस्लों से विलायत अली कायम रखे मालिक हर मोमिन ऐसे साल मुजलूम है करबला बेहरम के जवारे में सी फरमाए सारे दुआओं की दुआ मालिक ऐसी वारिस रखते हैं बेवार सतरा जी रियाँ मेरे मौला सुन पर्दे वाले वारिस की जियारत नसीब फरमा एक बेटी माँ का हुक्म है मालिक उन्होंने जो परेशानी है मालिक परेशानियाँ दूर फरमाए अपने मालिक अपने वारिस अपने बादशाह के जहूर वास्ते बड़े वजूद च जितनी ताकत है सलवात मोहम्मद भरी सारे हालात अल्लाहुम्मा जड़े मोमिन कैद ने मां मूसा काजम बादशाह की कैद सदका मालिक उन्होंने जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमाए मेहरबानी फरमाया करो आमीन उची आख्या करो बादशाह का फरमान है भाई सलमान ने मालिक जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमाए साढ़े मंगन च फर्क है साइया की करीमी च कोई शक नहीं बंदे गाजी के इलम से जाके मन्नत चाहते ने मन्नत पूरी होन ते लांदे ने उन्हें यकीन की मेराज नहीं है गाजी के इलम तो मन्नत चाहो उस वेले ला दो यकीन तो करके वेखो जिस गाजी के उत्ते अली दियां धीआं नूं एडी आस होवे ना जिस गाजी ते अली दियां धीआं नूं भरोसा होवे कम अज कम तुसीं सारे भी उस बादशाह ते भरोसा करके वेखो यार गाजी दे इलम ते मन्नत चाह के जाओ नहीं मन्नत ला के जाओ घर जान तो पहले थोड़ी पूरी होगी आज घर जाके जिदी जिदी जो परेशानी ना एक बारी मौला दे इलम ते बल्कि इत्थे बरामद होना जे उस बादशाह दे इलम ते अज अपनी मन्नत जिहड़ी होवे इत्थे ला के जाना हस्बे तौफीक जो होवे ला के जाओ नियाज पका के इत्थे दिओ हाजरी दिओ जो भी दे सकदे हो दे के जाओ मन्नत ला के जाओ घर जाने तो पहले थोड़ी मन्नत पूरी होगी पीर उदों ही कामिल होंदा जदों यकीन कामिल होंदा मेहरबानी जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तुहाड़े को दुआ लेना सिख जुमला पढ़ा तुहाड़ी खैर होवे तुहाड़ी वजह तो इज्जतां ने तुहाड़ी वजह तो सब कुछ है मीर साहिबान की मेहनत है मालिक पाक इन्हां दी इज्जतां च इजाफा ता फरमाए यकीनन यकीनन जितने मोमिनीन तुर के आए ने इन्हां सारे वास्ते एक जुमला पढ़ना चाह रहे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिद अल हराम मिनल मस्जिद अल अक्सा पाक है उजाद जिहड़ी लै गई अपने बंदे नूं रात दे टाइम शुक्रिया मैं दसन लगा तुहानू यही गल दसन लगा बिस्मिल्लाह अच्छा हुक्म कोई शक नहीं माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मालिक थोड़ी सारी परेशानियां दूर करे इससे ज्यादा इस गल है लै गई अपने अब्द नूं रात दे टाइम मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा टाइम पांच जज एक केस ते बैठे होण उन्हां चों तीन कह दें हाँ ठीक है दो ना ही मन तीन दी मन जांदे ने सारे
कि जिस दिन कह गए ने दो दिन ना हो उस गलत मुतफिक हो। तकरीबन 95-95% लोग इस गलत मुतफिक ने, उलमा इकराम मुतफिक ने, सरकारे रहमतुल आलमीन वजह तखलीक कायनात नूर तौहीद महबूब तौहीद उस बादशाह मेराज होइए सरकारे उम्मे हानी के घर तो। उम्मे हानी थोड़े तो मेरे मौला अली शहनशाह की बहन ने, सरकारे अबू तालिब की बेटी ने, हवेली सरकारे अबू तालिब की, हुजरा जनाबे उम्मे हानी का मेराज हुई रसूल अल्लाह को। अल्लाह कह रहे हैं मस्जिद हराम तो मस्जिद एक्सा ताई, बंदे चुप कर जो तुहाडे अपने मिजाज की गल है। मैंने सारी जिंदगी मेरे लफ्ज मोहम्मद की सिर्फ मीम तो बहस कर दी, मेरी सारी जिंदगी मुक जाए मैं मीम की शान बयान कर ही नहीं सका। रसूलुल्लाह की शान क्या है उस मीम का नहीं मैंने पता, मैं मीम सारी जिंदगी पढ़ दवा जिंदगी मुक जाए मीम की अजमत दसनी ना मुके। कितने बंदे खैरात दोगे सिर चाणा आखिरी बंदे तक तवज्जो करनी। मैं आख रहा सुभान लजी असरा बेअब्दही लैला मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा। फिर कह रहे हैं 95% उलमा का यकीन है, इस गल की तस्दीक है, तईद करते हैं किबला बैठे ने सीनियर भी ने बुजुर्ग ने तईद कर सन। उम्मे हानी के घर तो सरकारे दो आलम मेराज हुई, जिस जगह तो मेराज हुई अल्लाह ने उस घर नू घर नहीं किया, मस्जिद हराम आख्या सरकार अबू तालिब की हवेली नू, मस्जिद हराम तो मस्जिद एक्सा ताई। बंदे चुप कर जाओ दुख लगेगा, आज 8 मुहर्रम है, 7 मुहर्रम तक जो थोड़े खिदमत पेश किया, अगर इस गलते हर बंदा खैरात नहीं दे सकिया तो यकीनन यकीनन शायद मैं सही तरह समझा नहीं सकूंगा या बंदा किसी होर ख्याल से बैठा है। अपने अब्द नू कहना तो यह चाहिए सी यासीन तुहा मुजम्मिल मुदस्सर सैर कराई। अब्द क्यों आख्या बंदे अज तक यही नहीं पता चलिया मस्जिद हराम सो मस्जिद अक्सा ताई रसूल की अब्दीयत रिसालत उस तो अगे है। क्या बात चले भजन, कोई एक बंदा ही पहुंचे तो मेहरबानी। सुभान अल्लाह वाह वाह। चलो थोड़ी इस मोहब्बत अली सूरत दिखाने से अगर इनकार कर जाता बशर रहता जहालत में, जहालत में ही मर जाता। अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए, वरना जमाना हज के मौसम में अबू तालिब के घर जाता। शुक्रिया बेटा, मौला सलामत रखे तुम। हैदरी अब्दियत हाई मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा ताई रिसालत उस तो अगे है, जिथे सरकार जिसम छोड़ रहे ने रूह छोड़ रहे नलायन पक के जा रही है। अल्लाह कह रहे मेरे महबूब अपने नलायन की धूल से मेरे अर्श को महरूम न कर। पता नहीं नलायन की क्या अजमत है, बंदे सरकार दो आलम की नलायन की अजमत नहीं पता, जिस बादशाह की नलायन की अजमत नहीं पता उसके हसनैन की अजमत का किवें पता चल सकता। क्या बात थोड़ी, क्या बात है थोड़े नाल ही बात है, जो थोड़ी बात है वही मेरी बात है। अच्छा एक छोटा जि जुमला, किसी काफिर कहना सौखा होंगे जी, और डॉक्टर इलाम इकबाल साहब की कल बड़ी खूबसूरत गल पढ़ी, वो फरमा रहे कि असी सारे एक ही मुसलमान कलमा नबी का पढ़ें एक दूजे को काफिर छड़ रहे, काफिर सानू मुसलमान छड़ रहे। हाय 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 किथे जाओ थोड़े नाल मिसाल लेके सही जुमला पढ़ा, दुआ फरमानी जी मैं सब मैनू बंदे बड़े ईजी लै लेंगे काफर, हालां मैं कलमा नबी तो पढ़ रहे पर फिर भी मैं काफर। चलो मैं एक मिसाल देखा कि मेरे घर बिल आ जाए 2 लाख रुपया बिजली का, बिल बिजली का ही बहुत आता है ना, पानी पुनी का तो थोड़ा ही आता, पानी का तो बंदे कहीं जमा भी नहीं कराते। तवज्जो आखिरी बंदे तक जे मैं हैरान होकर वेख रहे थोड़े हस्ते एक जुमला पढ़े, बिल आ जाए 2 लाख का मैं अपने शिगिरद को बुलाव थोड़ी जबान चखा उन्होंने मंदे कड़ा उन्होंने झाड़ा वो ये की
ये छोटा भरा मेरे को आके यार क्यों लड़ दे उस्ताद जी को, इन्हें थोड़ी बिल भेजे इन्हें तो सिर्फ पहुंचाया। चलो छोटी मिसाल लेके उस बात गल कर, ये जितनिया मेराज या जेड़े जेड़े वाकियात होने जनाबे सरवरे कहना दे वो सब रात में हुए ने, तायद करनी बाबा जी सब रात में हुए ने ते सारे नु याद ने, ये जितने रात में वाक्य हुए ने सारे नु याद है, वो जेड़ा दिन नु याद सी वो सारे ही भूल गए ने, दिन नु याद सिर्फ जी ही मन में हाथ नहीं बचाओगे तो फर्क नहीं, लेकिन गदीर वाले इंज ही कर सकते ने, गदीर वाले नु हाथ चाहना चाहिए बाकियों नु नहीं। हाँ बस सुनी मुझे मिसाल दे रहा मैं चलो तुहाडे कोल ही आ गया, मैं बाबा जी देखो है ना 2 लाख बिल भेजता है काम तुसी कोई पुत्र परेशान क्यों हो रहे, जाके बापड़ा दे किसे एक्शन ना लड़, SDO नु आख और लाइनमैन नु फड़ जे बिल लेके आए, उस मस्कीन नु भी कुछ कह रहे हैं। मैं फिर बार बार कह रहे हैं बंदा हूं मैं दाद नहीं तुहाडे को मंगनी, तुहाडे चेहरे वेखने ने कि इतनी देर दी इतने दिनों का असर की है तुहाडे ते, मैं उन्होंने गाल इस वास्ते कट रहे हैं, वो नाल मन दे वो लड़ इस वास्ते रहे हैं कि उन्हें मैंने बिल फड़ाया, मैं देख रहा 2 लाख है बादशाह फरमा रहे हो सिर्फ तेन पहुंचाने वाला है, देने वाला तो कोई होर है, वो मैनू काफर सौखा कह लेंगे, रसूल सिर्फ पहुंचाया है, देने वाला तो अल्लाह है। और पिछले बंदे चुप रह गए, अल्लाह आख्या ऐलान कर दीन दी तकमील विलायत अली दे नाल इस गल तो गली याद आई है, इस गल तो एक गली याद आई, आकर सजाद बादशाह खुतबा दे रहे हैं, फिर कहंगा जी बार बार इस वास्ते कह देना था कि हर बंदा पहुंच जाए, मौला किबला साहब थोड़ा साया सलामत रखे, थोड़े जाते जाते मैं जुमला पढ़ रहा खुतबे दे विच मौला आका सजाद ने फरमाया, इस बगैरत यजीद ने बेवक्त अजान दिवा दी थी, बादशाह फरमाते हैं ये अजाने भला मुझको रोकेंगी क्या, ये अजाने भला मुझको रोकेंगी क्या, ये तो खुद मेरे अकबर की मोहताज हैं। जेरे बंदे जुबान ने नहीं बोल सके वो यकीनन घरों कुछ और समझ के आए हैं जी, हो सारे बोलो हायदारी जी, क्या बात है, छोटे बच्चे नारा मारन तो जवाब दिया करो यार, हौसला अफजाई करया करो, पाकीजा गोद का असर होंगे, बंदे चंगी बली सेहत दे नाल ही आज ही नहीं कह सकते, क्योंकि हर किसी हास्ते हर किसी नसीब च नहीं आए। सुभान अल्लाह, प्यारे हैं मोहम्मद, सारे हैं मोहम्मद जियो, तू क्या जाने इसके दस्तूर को, वाह तरबीब दिए जाते हैं, वाह क्या बात, लो दो एक रुबाई, खैर जी खैर खैर, मैं आज 1.5 घंटा पढ़ांगा बाबा जी, आज मैं तुम्हें राजी करके लथांगा, आज मियां साहब तुम्हें राजी करके जावांगा लथांगा नहीं जी, देर आज मैं देख ही नहीं रहा, अगर देर होंगी हो जाए, आज थोड़े ना राजी पुना करना, राजी ना मैं लिख के जाना। चलो उन्होंने एक शेर तो एक रुबाई पढ़ी तो मेरा दिल, मैं भी सुना दें 2 रुबाइयां इन्होंने हौसला अफजाई वास्ते, अहमद के नवासे से जिसे प्यार नहीं है, और जो भी है जो भी है जो 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 भी है, अहमद के नवासे से जिसे प्यार नहीं है, अहमद की शिफात का वो हकदार नहीं है, इस वास्ते कहते हैं जहन्नुम को जहन्नुम, सुनते हैं वहां कोई अजादार नहीं है। इधर वाले पिछले मोहल्ले वाले जागो यार जियो जियो अनुभव, एक सब तो अपनी जिंदगी का आज जब पहला कथा, जब मैंने जाकरी शुरू की ना भाई अपनी जिंदगी का पहला कथा ये पढ़ा था, और उसकी मुझे पता नहीं कितनी खराब, मुझसे पता नहीं कितनी खराब मिली थी, चलो जो मेरे अपने करीब बैठे ने जिन्हें दुआ मैंने देंदे ने रोज आके हर 10 दिन इतने बह रहे ने सामने, मैं ऐसा मैं कह रहा हूं मवाली हूं मवाली हूं मवाली हूं, मुझे झूठा भरम भरना नहीं आता। वीर मसीह शाह जी मैं जुमला पढ़न लगा जी, पता नहीं कितने बंदे ने तुसी दिल दी अख ना वेखो तो तुम नजर आए कि अंदर विलायत जाग रही है, वो चेहरे ते रौनक होवे तो तुसी नौकरा से दुआ करना, मैं आखना मवाली हूं मुझे झूठा भरम भरना नहीं आता, कभी भी गर्दिश अयास से डरना नहीं आता, मैं घबराऊं भला क्यों, तलखी नारे जहन्नुम से वो घबराए जिसे नादे ली पढ़ना नहीं आता।
या अली कहने लगा जियो हैदरी 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 या अली मेहरबानी मेहरबानी। और मेरा पुत्र पांच नाने च भी चुप करके खलोता रहे मोहम्मद से प्यार है सुभान अल्लाह। जिस शख्स को भी आले मोहम्मद से प्यार है महशर के दिन वो शख्स बड़ा बावकार है। दहलीज़े खुद पुकार के कहेगी उसे आजा बड़े दिनों से तेरा इंतजार है। नारे हैदरी लो मुर्शिद हौसला सही फरमान में एक बुजुर्ग का कदम मैं लभदा नहीं पिया मैं तुम्हें सुनाना चाह रहा कल मैं पीर शाह पढ़िया बड़ा लुत्फ आया सी एक सलवात पढ़ दो सारे बाबा से बुलंद सिंह अच्छा उची बात ना एक झिक्की बात ना सलवात पढ़ दो सारे लिखी अदू के वास्ते पैदा जवाल करते हैं आदू के वास्ते पैदा जवाल करते हैं मलंग अली के हमेशा कमाल करते हैं कभी अली अली कहने से रुक नहीं सकते क्यों हलाल ज्यादा हैं लंगर हलाल करते हैं खैर कोई गल सलाम है तुम सलाम है एक अपने बुजुर्गों का कथा देनी चाह गया तुम सुनाओ याद है जाने में अच्छा जी सलाम पढ़ देना चलो इन्हें भी मान ली जी थोड़ी नजर च नहीं मेरी नजर च नहीं आसमान वाली नजर च मौला अब्बास का क्या मुकाम है आसमान वालों से पूछो मर तबा अब्बास का सुमा वालों से पूछो आसमा वालों से पूछो मर तबा अब्बास छो मर तबा सिकासमालों से पूछो मर तबा सिकाना मिलते हैं अदब से हम क्या बात है जियो असद भाई एक शेर थानू मिला के एक शेर मुर्शिद मिला के अपने मातमी की कामयाबी वास्ते शेर पढ़ा मुर्शिद कल तुम आए नहीं मैं कल थोड़ी कमी पूरी की थोड़ा नारा कल मैं मारिया आज तुसी आए हो निकल के नहीं अचारे सदके जियो हैदरी मालिक तुहानू सलामत रखे मेहरबानी सही मुन करे अब्बास तू खालिक सना कर जाम करे अब्बास तू खालिक से ना कर तिजाराएगा हो जाएगी ना मांग खालिक से दुआ सारी दुनिया है खुदा की और खुदाया
जी है भाई। या अली या अली, मीर साहब या अली या अली, मेहरबानी मीर साहब शेर एडा वड्डा जे, या अली या अली या अली मदद, जिंदाबाद जी, मालिक सलामत रखे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, कितनी भी खराब देनी भजन, मैं सब मैं नहीं पता थोड़े जीरक मजमा थोड़े नौकर नु कितनी खराब देने लगा। अपनी जेबा चेक करो, कितना मार्फत का सिक्का है, फिर नौकर दे लफ्ज खरीदना, मैं देखना चाहना कितने खरीदार ने। जरा शेर पढ़ लगा, सिर चना गल पढ़ मला बेशीर से नजरें मिलाता किस तरह, हुर मला बेशीर से नजरें मिलाता किस तरह, रण में नरने से मुजाहिद को डराता किस तरह, आँखें थी असगर की लेकिन रोब था आबास। अजियो अजियो मेरा बेटा, बिस्मिल्लाह करो, या अली कहना था। लो मैं सब हुक्म किया, मैं एक नजम और कसीदे ना दो सुनाना। अच्छा एक नजम और, अच्छा जी नौकर बिस्मिल्लाह। मैं नौकर सही, मैं नौकर ताबे फरमा, गल बड़ी सोहनी जी मैं करना चाह रहा हूं हुक्म करने में। यह सब एक और हाला मैं कसीदे दो सुना लगा सी, लेकिन चलो कसीदे भी दो सुना लेना, नजमों भी दो सुना लेना। मौजू सिर्फ जनाबे बास ही पड़ी, सिर्फ जनाबे बास सुनावा। हाय हाय बोल किड़ी वड्डी गल करने का, कल ही सुना होना यार, कल ही सुना था सारे। एक सलवात पढ़ो सारे बाबा से बुलाने, ठीक है बैठ जाओ। बुलाया चिराग नु बुझाया, चिराग जलाया, सारे साहबियों ने कहा जिधर जाना चाहते टुट जाए। गल एडी वड्डी करन लगा बाबू जी, कितने मैं मुहर्रम च नहीं की थी। मैं मुख्तसर यानी मखसूस मजमे च गल पढ़दा, अगर सारे खैरात देन हुक्म तुसी कर रहे हो सारे उस मियार ते खैरात देंगे ते अगे शेर नहीं तो या अली या अली कसीदा शुरू कर लांगा। मैं अपने लफ्ज आए नहीं करता, एक गल अगर जेन च बच्चा ने जेन च पाती चलो पढ़न लगा। चिराग बुझाया, जान दा आख्या जाओ तुहाडी जन्नत दा जामिना, चिराग जलाए फिर सारे मौजूद हैं। एक गल तुसी सारे बंदियां कोल हर उलमा कोल हर जाकर हर जो जो पढ़ने लगे को सुनिए, गल जड़ी की थी तुहानू मैं नज़म च सुना रहा। बादशाह फरमा कह रहे ने, दिल है अब्बास चरागों को बुझाया जाए। चाचा जी मैं कह रहा मैं गल मुख्तसर इंज चुने मजमे च पढ़ता, हर जगह पढ़ता नहीं हाँ बस पढ़े हाँ। दिल है अब्बास फिर मैं उन्होंने कहूंगा भाई कल मजलिस नामी। दिल है अब्बास चरागों को बुझाया जाए, अब खुदावंद को बंदों से मिलाया जाए। या अली या अली, एक शेर मालिक सलामत रखे, क्या बात है। एक शेर तुम सुना रहे हैं, हुक्म मियां साहब ने किया, बुलाया बास को जनाब बास करीब आए। एक ख्याल पहले सुनियो होवे, कोई दाद ना देवे मेरी औकात तो ढेर सोनी दाद देती है। एक बंदा मेरे अकीदे मुताबिक दे दे, मैं राजी हूं। बादशाह हुसैन फरमाया, अब्बास पाक सजदों से न जिस सजदे जुदा कर गाजी,
नहीं समझ नहीं आई, खुदा की कसम बंदे पहुंच नहीं सके। पाक सजदों से नजिस सजदे जुदा कर गाजी, हाथ में लेके अलम अपना दुआ कर गाजी, हाथ में लेके अलम अपना दुआ कर गाजी, ताके आजान में अकबर को छुपाया जाए, ताके आजान में अकबर को छुपाया जाए, कितना वाजिब है अली सब को बताया जाए, दिल है आबाद। मैंने पूछा, हाँ पहले मैंने पूछा, मेहरबानी बाबा जी। खुतबा जनाबे हजरत अब्बास आलमदार बादशाह का, दरिया ते कब्जा किया ना, जनाबे बास का खुतबा थोड़ी खिदमत पेश करा, इजाजत हजारे ने एक अपनी दुआवां की कबूलियत वास्ते उच्ची सलवात पढ़ो सारे हजरात। बाबा जी हुसैन बादशाह ने खैर कल बच्चे ने नाना जन की गल याद आ गई, फरमान के बच्चा तो बंदर शरारत ना करे ना समझो बीमार है, उस दिन फरमा दुआ करो कोई बुढ़ा शरारत ना कर दे, अगे बुढ़िया की वजह तो बड़ा काम खराब होया दीन च। इजाजत है तुम्हें सुनावा, कब्जा देखिया हाय हाय, लिसान लद पुत्र ने अब्बास को आवाज़ देके, या जखन लिसान लद पुत्र ने शबीह अली ने आवाज़ दी और गल कड़ी की थी, कब्जा दरिया से उमैया काट दे गाजी, कब्जा दरिया से उमैया काट दे गाजी, कब्जा दरिया से उमैया काट दे गाजी, कितनी यजदान में कुवत है दिखा दे गाजी, हैदरी सर जी थोड़ी सी करा, इतनी सी दाद दे दी, थैंक यू सो मच, मेहरबानी। या अली या अली, भाई ऐसे जी शेर पढ़ने लगा जी, ओ हो सर कभी हुसैन की हसरत सुनी किसी ने, हेलो जी हैदरी मी सब कभी हुसैन बादशाह की हसरत सुनी किसी ने, हुसैन बादशाह ने आवाज बुला के अब्बास मेरी हसरत है, बादशाह केरी हसरत है, इमाम हुसैन बादशाह फिर आदि पेशानी चुन के अंदर बास, मेरी तलवार तेरी तेग की सरदार भी है, मेरी तलवार तेरी तेग की सरदार भी है, तेरा और मेरा लहू सिर्फ में करार भी है, अली के पुत्र आ जाना सिफ्त में करार भी है, पर मेरे वार की कुदरत का वजीफा तू है, पर मेरे वार की कुदरत का वजीफा तू है, मेरा दुनिया में बिना फास खलीफा तू है, मेरा दुनिया में बिना फास खलीफा तू है, हसरत को मिटा दे गाजी, दाद के वास्ते बस हाथ उठा दे गाजी। आपकी दुआ बड़ी है भाई, माधवी की दुआ है, या इली या इली। जिंदाबाद, मालिक सलामत रखे, भजन आपने इस शेर पे नियाज दी और
हौसला अफजाई की अपने भाई की, तो आपकी इज्जत के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपके रिज्क की इज्जत में इजाफे के लिए शेर पढ़ने लगा। एक लाइन आपके लिए होगी, मुझे नहीं पता हर बंदा किस मेयार पे खैरात देगा, लेकिन जितने बुजुर्ग बैठे तवज्जो करनी है। गाजी बादशाह तलवार चाहिए, वजहुल्ला दे पुत्र है ये, दुल्ला दे हाथ तो तलवार ले आई है। मैदान दे पासे आए, हमला कीता, हमला कीता तो हुसैन बादशाह आवाज दे के अब्बास वापस आ, करीब आए मौला के मैं जंग सही नहीं कर रहा। नहीं अब्बास, जैसी तू जंग कर रहे हैं तेन तारुफ करावा और तेन वापस क्यों बुलाए, रोके क्यों? आठ समा बादशाह मैंने तू गलाजत का गला काट रहा है से, तू गलाजत का गला काट रहा है से, मौत की हश्र में बे वक्त हवा है जैसे, मौत की हश्र में बे वक्त हवा है जैसे, ये नुसैरी को शरीयत की अदा ना कह दे, ये नुसैरी को शरीयत की अदा ना कह दे, हाथ को रो कि ये सब तुझको खुदा ना कह दे। जिंदाबाद। हाय भाई, इंतहाई शुक्रिया, पूरा शेर थोड़े हस्ते बादशाह ने, तू गलाजत का गला काट रहा है से, तू गलाजत का गला काट रहा है से, मौत की हर्ष में बेभक्त हवा है जैसे, मौत की हर्ष में बेभक्त हवा है जैसे, ये नुसैरी को शरीयत की अदा ना कह दे, ये नुसैरी को शरीयत की अदा ना कह दे, हाथ को रो कि ये सब तुझको खुदा ना कह दे, हाथ को रो कि ये सब तुझको खुदा ना कह दे, तू मेरे इश्क में तलवार झुका दे गाजी, अपनी हैबत मेरी रहमत में छुपा दे गाजी। थोड़े में यार नु सलाम जियो, या इली या इली, जिंदाबाद बेटा, जी हां, या अब्बास, बिस्मिल्लाह, आ गई लो जी, आहिस्ता आहिस्ता मैंने इतों सारी मेरे हाथ भर जाना जी, लै मैनू आइए तो कहते मैं पवा दियो, वो मैंबर तो यही चीज़ आकर दी होंगी, सोची भी नहीं होती। चलो एक शेर चढ़ा होर पढ़ा जी, कितनी को खैरात देंगे बंदे, कितनी खैरात है तो गाजी बादशाह टुट के जान लगे भाई से जी, मियां साहब जितना ने बंदे ने उठ के इस्तकबाल किया ना, इस छोटे बच्चे समेत लैके जिस जिस बंदे ने उठ के इस्तकबाल किया, भाई ने किते नारे लाए, बुजुर्गों लाए, इतों भाई लाए, उधरों एक भाई ने लाया, मियां साहब नाल दुआ फरमा रहे ने, असद भाई ने पिछे सभी बैठे ने, अच्छा सुन तो लाया, इन्हें भी ला लिया, इन्हें भी ला लिया, इन्हें भी नाल मिला के शेर पढ़ने लगा, कितने बंदे खैरात देंगे, अब्बास टुरते जाते पे, या हुसैन बादशाह वादे कहने, अब्बास तू मेरे अर्श पे अकबर की अज़ा जैसा है। यार कितने जावा भाजन, मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया, जियो 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 बादशाह माने, तू मेरे अर्श पे अकबर की अज़ा जैसा है, तू मेरे अर्श पे अकबर की अज़ा जैसा है, मेरे खुतबे में तू वहादत की सुबह जैसा है, मेरे खुतबे में तू वहादत की सुबह जैसा है, इल्म ज़हरा का तेरी ज़ात में ताबिंदा है, इल्म ज़हरा का तेरी ज़ात
ਮਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅਲਮ ਸਕਾਬੇ ਕਾ ਭਰਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅਲਮ ਸਕਾਬੇ ਕਾ ਭਰਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਸੇ ਲਗਾ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਸੇ ਲਗਾ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਿਲ ਹੈ ਅਬਾਸ ਕੋ ਸ਼ਬੀਰ ਬਣਾ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ लाइन पढ़ के देख लूंगा ऐसे मिला है ऐसे मिला है अपमान के जोड़े तो आए अच्छे वाला अब्बास के जोड़े को बीबी का हराने किया बेशक या अली या अली गाजी बादशाह मैदान के पास जा रहे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी लड़े आमीन आमीन मालिक चलो ये शेर दे सदके जेरे पुत्र मंगना चाहते खसूसी मेरे भाई हैदर नु भी और अख्तर जरा जाफर नु भी और इतने भी जितने भी औलाद ने मालिक इस वास्ते पुत्र अता कर ताकि हुसैन दे मातमे च इजाफा होवे शेर पढ़ना ऐसा जा रहे हैं सारे शेर एक पासे मियां साहब ए शेर एक पासे गाजी बादशाह जान लगे अपने हुजरे च या हुसैन बादशाह वादे के अब्बास सिखला था मेरे करीब आ टुरदे टुरदे करीब आए भीरा दी पछानी तो बोल सकता मुझसे शेर नहीं है कायनात जरी देन लगा मेरी कायनात जरी देन लगा गाजी बादशाह टुरदे कोल आने बादशाह फिरा दे चेहरे ते बहुत सदे की गल करी अब्बास तू सफा मरवा में इस लाम का सरमाया है नहीं बंदे पहुंच नहीं सके पता नहीं किस में यार तुझे सुनना जे मर हम लम्बे पास हाडी फरमाइश ते मेरे को नहीं पढ़िया जाना मैं ही पढ़ सकना बादशाह माने तू सफा मरवा में इस लाम का सरमाया है तू सफा मरवा में इस लाम का सरमाया है शुक्रिया तेरा के तू मेरे लिए आया है शुक्रिया तेरा के तू मेरे लिए आया है जिस्म तेरा भी मेरी तरह से बेसाया है जिस्म तेरा भी मेरी तरह से बेसाया है तूने ज़ैनब की ज़ियारत से खुदा पाया है बंदे पीछे रह गया यार मियां साहब पता नहीं मैं कितनी बड़ी गल करती हूँ हर बंद मेहरबानी साईं शुक्रिया ये तुम्हारी मार्फत है बादशाह रवाने सारे बोले हैदरी तू सफा मरवा में इस लाम का सरमाया है शुक्रिया तेरा के तू मेरे लिए आया है जिस्म तेरा भी मेरी तरह से बेसाया है तूने ज़ैनब की ज़ियारत से खुदा पाया है अपना सजदा मेरे सजदे से मिला दे गाजी अपना सजदा मेरे सजदे से मिला दे गाजी मेरे नाना की शरीयत को बचा दे गाजी जी हो जिंदाबाद इमाम जमानत हम सामने बल्कि आप मुझे अपना नंबर दीजिएगा मैं आपको अलहदा सुना दूंगा वो है एक बड़ी तफसील की बात है और उस पर हर बंदा खैरान दे सकता है मेरी आगे सेहत ऐसी है वो और ख़त्म हो जानी है फिर बंदे चुप करके ना तो मैं समझे मर गया रब जाने औलाद अली दी थोड़े कुर्बान जावा थोड़े हाय करन तो मालिक सिवाय गमी हुसैन दे कोई गम ना दो हर घर च बाबा जी कैसा फर्द हुंदा है मी साहब जिस ते सब नूं बड़ा माण हुंदा है
फिर मुस्ताकशाह जी अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अगर घर वड्डी तो वड्डी आफत आ जाए वो मान खड़ा रहे भजन घर का घर कायम रहता है और अल्लाह ना करे अगर वो मान रोन लग जाए ना चाची जी हो सकता है तुहाड़ा पुत्र हो जिस से माण होवे ये जिहड़े विराह बैठे ने तुसी होवो सारे घर नूं तुहाड़े ते माण होवे अल्लाह ना करे कदी मान रोन लग जाए ना ओ तुहाडे हाए करन तो सदके जावां बाबा जी जुमला पढ़ा रब जाने औलाद अली दी ओ किवें मौत अब्बा सदी सह गई मस्तूरा झणिया खाक उते मां फजल दी बहंदे गम दालिया वैन किता हर सैन पिटे दी रह गई सैन रोक आ दिए तेरे बाजू खाक ते नहीं आए मेरे सर तो चादर लै सदके ओए सदके असल भाई बड़ी औखी शहादत है इस बादशाह दी पता नहीं कितने बंदे नूं इस गल दी समझ आए बड़ी औखी शहादत है एक जुमला तुहाडी मार्फत वास्ते पढ़ा जिहड़े रोवण वास्ते आए हो यकीनन तुहाडी जिन्हां दी अखां वजू कर गईआं ना उन्हां वास्ते एक जुमला पढ़न लगा कई ऐसे बंदे ने भजन जिहड़े हैरान होकर सिर्फ वेख रहे ने तीन किस्म के बंदे मजलिस हुसैन च आंदे ने कई वो लोग आंदे ने जिहड़े एक दूजे नूं वेखदे ने यार इह कीवें फेर हुंदा है कई वेखण आंदे ने यार नहीं मेरी शक्ल बनेगी मैं सिर झिका करके मूँह थले कर ला कई उच्चिया कूकां मार के वहन करके रोंदे ने जे मर्जी रोवो मिन्नत करांगा मूँह लुका के ना कदी बैठा करो मजलिस तुसी मूँह लुका के बैठे हो मैं तुहानू एक सवाल करना चाहना अपने ईमान नूं दसो जिस मां दा जवान पुत्र मर जावे वह मूँह लुका के रोंदी है एक बारी अब्बास की अजमत ज़हन च रखना क्या है बड़ा माण है अली दीआं धीआं नूं बड़ा माण है हुसैन नूं मैं मालिक थोड़ा मातम कबूल करे बाबा जी मैं एक जुमला माफी मांग के पढ़ लगा आसर भाई गल औखी है बड़ी औखी है सैयद कितने बंदे बर्दाश्त कर सन मातमिया को माफी मांग के जे अजे तक रो रहे हैं मेरी गल पूरी मुकम्मल भी नहीं तो रो रहे हैं मैं भी यह सब जुमला पढ़न लगा कितने बंदे हाए कह सकन शामे गरीबा आलिया बार बार आके अब्बास का पहरा देवी अब्बास के टुकड़ों चो आ जाइए सहन मेरा पहरा क्यों बदे दें सिर्फ दो लाशा पमाल हुई हैं तारीख पढ़ के देख लेना तारीख मैं कितनी वड्डी गल करन लगा भजन सजीत पता नहीं किन्ने असल भाई समझ आवे मियां साहब मैंने माफ कर देना सिर्फ दो लाशा पमाल हुई हैं एक हुसैन बादशाह की लाश पमाल हुई है और एक उस बादशाह की लाश पमाल हुई है जिदा कद छोटा हा घोड़े का सुम वड्डा हा पढ़ लिया मौला जी कसम पढ़ लिया मैं जुमला पढ़ लिया हर बंदे नूं समझ नहीं आया बाबा जी कितने बंदे जिहड़े हाए कह सकन सैन टुरदी टुरदी आई है अब्बास दे पास वेख के अब्बास मेरा भरा नौ हिस्से च तकसीम होया वत भी तेरे तो ज्यादा है या तुहाडा ध्यान मेरे पास नहीं है तुहाडा मसाहिब हजे सुनना दिल नहीं है मैं आखरे बीबी ने देख के अब्बास मेरा भरा नौ हिस्से च तकसीम होया वत भी तेरे नालों ज्यादा है उसकी लाश पमाल हुई है मैनू मां बार बार कहंदी जा अब्बास का पारा दे मता तेरा भरा निखड़ बंजे मता करबला दी जमीन सब तो छोटी कबर आई जनाबे अब्बास दी सब तो वड्डा कद आई और सब तो छोटी कबर आई आलिया रो के आ दिए इतना मारे तेनू शामिया ने अब्बास मैं इस वास्ते तेरा पहरा बदी देनी हाँ मता ए भी ना गुम जाए और मैं कुरबान जावा ओ मैं सदके मालिक सिवाय गमे हुसैन दे कोई गम ना दे तुहानू एक वैण सुनावा इस वैण वास्ते मैंने हुक्म किया है सैयद मेरे कोल बैठे ने ना एक हुक्म किया कामरन उस गलते एक बैंड पढ़ी बस उन्होंने कहा शायद उन्होंने इस वजह तो ही अंदर वो बैंड लिखा गया होया जो तुम सुना लगा अकबर की लाश से सबर दा आदम माफ कर देना जुमला मैं छोटा कह गया औकात छोटी है ना अकबर की लाश से सबर दा खालिक चुप बैठा है चाचा जी कुरबान जावा थोड़े हाए करो कभी चेहरे के पास वेख दिन पुत्र की कभी बरछी के पास वेख दिन अब्बास टुरदर तो करीब आया अखा चो हंजू ने बर्दाश्त नहीं होया जमीन तो बैठा है इवें लीका मारने शुरू की दीद पई हुसैन बादशाह की अब्बास नूं गल करन दा मौका मिलया जिस वेले हुसैन बादशाह ने बिरा दा चेहरा वेखे ना इवें हाथ जोड़ के मैं मौला मेरी मां मैनूं वक्री चुंड चले जाके आदरी अब्बास तू उस सैन की दुआ दे नाल दुनिया तो आया जिदी मुहम्मद उठ के तजीम करदा हा अब्बास उदा एक हाथ पासे ते आई वत भी अपने हाथ दे नाल तेरे कपड़े सी के गई गई
अब्बास होते तेरे कपड़े ऐसे सीते ने कि जहूर तो लैके तेरी आखिरी 32 साल तक तेरे कपड़े वो दे के गई है। अब्बास तेन सलाम कर दे रही है, शरीफ कभी मकरूज होकर नहीं मरते। अब्बास जूंदा रहा तो कर जरूर लहावे। आदन मौला मैंने पहला पहला मौका मिले है, बाबे अली जरब लगी मैं तलवार चाहिए मौला कर लहावा, तू सके चुप तो मैं चुप कर गया। मेरा हसन दे जनाजे ते मुसलमाना तीर मारन में तलवार चाहिए मौला कर लहावा, तू सके चुप तो मैं चुप कर गया। भैन दे नाल वतन छोड़े मैं हाथ जोड़ के मौला मेरे जीने वतन ना छोड़, तू सके चुप तो मैं चुप कर गया। मौला तुसी हज नू उमरे तब्दील किया मैं हाथ जोड़ के आख्या मौला तू हज पढ़ मैं 9 लाख का जामिना, तुसी आख्या चुप तो मैं चुप कर गया। मौला तुसी 2 मुहर्रम नू करबला पहुंचे मैं हाथ जोड़ के आख्या मौला ए जा सैंड दे रहवन दे मुताबिक नहीं, तुसी आख्या चुप तो मैं चुप कर गया। मौला 7 नू पानी बंद होया 7 9 तक 9 बार तुहाडी धी मेरे खैमे चाहिए, खाली जाम चाह के दी चाचा अब्बास मेरा भिरा दसा पे अमर अदन बासरियां दी गल्लां कर दमक से तू तो मेरी फौज दा जरनैल है, जरनैल दा नाम है गाजी तलवार कदमत रखिए हाथ जोड़ के आदन जे नहीं लड़नी जंग कर बल दी मैं को क्यों जरनैल बनाया वत शिमर दे सामने हायो ओन दी मादा मैं तो खैमा क्यों। ओ मैं सदके हो थोड़ी मारफत तो कुर्बान जावा, ओ जे नहीं लड़नी जंग कर बल दी मैं को क्यों जरनैल बनाया है वत शिमर दे सामने। ओ सदके थोड़े हाय करन तो कुर्बान मालिक सिवाय कमी हुसैन देगम कोई नहीं दे मी सभी जाज तो एक मिनट पढ़ना चाहना। गाजी बादशाह टुरदे टुरदे अपने होजरे चाहे ने फजल दी मान हुआ क्या मैं कुरान पे पढ़दा, कोई भी आवे मैनू मिलने वास्ते ना बुलावे। आज मैं अपने मौला नू रोंदा देखाया मेरी जिंदगी का क्या फायदा, मैं भी जिंदा हुआ हुसैन दी अखा च आंसू होवन। गाजी रोंद रोंद आके कुरान ने कुरान खोल के तलावत शुरू की है, या 4 साल की बतूल बीवी टुरदी टुरदी आई है इवें खाली जाम लैके अब्बास दे खैमे दे बाहर रुकी है। देखे जो चाचा काफी देर नहीं पे गल सुनदा, तवज्जो नहीं की, सैन ने प्याला जमीन ते रखे है जिन्हां दी 4 साल दी धीआं कम से कम करी सोचना जरूर। बाबा जी करबला दे सराज इवें दोवें हथ वधा के दी मेरे अल्लाह इंशाल्लाह परदेश च कोई गरीब ना होवे। अज मेरा चाचा भी मेरी गल नहीं पिया सुनता, जरा गल सुनिए इन जाएगा दी जिवें छिक्का दे पास पानी आंदा है। आके सैन दे कदमों ते हाथ रख मैं क्या करा तेरा बाबा इजाजत नहीं पेंदा, चाचा परेशान ना हो आ मैं इजाजत खिना दनी आ लेके जे टुरिए सैनी इमाम हुसैन बादशाह ने आंदा वेखिया है कुर्सी छोड़िए देख के देना बस तेरे तो ही सदके तेरिया सिफारिशां तो ही सदके। धी नू कोल बुला के सईद माफ कर देना अपने जानू ते बिठाया है धी दे मत्थे ते बोसा दे के हुसैन बादशाह के मेरी धी दे साथ तेरा वीर कितनी देर दा है 6 माह दा कितनी देर दा है आधी 6 माह दा मौला रो के अदन मेडा बतरीसा लिदा वीरन है तेडा वीर फकत 6 माह दा मैं को अकबर कासे हायो भूल वेंदे जडा देहना सा फिरा दा रो के अद लैवैनी बुल के फुफिया दे हो सकी ना ख्याल रखे मता तेरा भी ना बचे ते मेरा भी ना रवे ठीक है बाद जाई जाते भजन मैंने माफ कर देना। मैं औखी गल एक करी सह कर लेना मैं तुम्हें गल सुना लगा जिरे मातम कर दे माफी मांगे पड़न लगा। गाजी बादशाह तलवार चाहिए नेरा चाहिए मशक कंड पीछे रखिए बाबा जी मुकम्मल फौजी समान पाके गाजी जीन ते सवार होए दीद पई है हुसैन बादशाह दी। तो मैं सदके जावां मैं अजे गल करें तुसी अजे भी गिरिया कर रहे हो तुहाडे हत्थ जुमला पढ़न लगा माफ कर देना जिते माती बैठे मियां सब सुने क्या है। गाजी ने सारा जंगी समान पाके जीन ते सवार होए टुरन लगे हुसैन बादशाह दी आवाज़ अब्बास सिकला जा रुक जा जी मौला अब्बास ए क्या है मौला जंग दा समान अब्बास किथे चलें मौला पानी लैण इमाम हुसैन बादशाह उन्होंने देख के देना बस बेशक जिमें मर्जी जाके मार मगर ख्याल रख जिन्ना तू इन्हें शामिया मार रहा है मेरिया भैनों ने उतने बदले देने पौ सन जिन्हें अजे हाई नहीं कह सके। गाजी हर सैला हमने शुरू की है एक खाली मशक चाहिए अलम चाहे दौड़े ना है मैदान के पास पानी भरे है मुर्शद जुमला एक पढ़ने लगा हाथों से पानी लगे है दुआ दे हाथ चाहे ने छाला है हाथ भी नाल न रहन एक बेहया छुप के वार किया है गाजी का सच्चा बाजू कलम होया है दौड़ दी आ लिया खेमे चाहिए हर बीबी के पास ले कह दिए मैं थोड़े पर्दे भी सामने कोई नहीं एक बेहया छुप के वार किया है बुजुर्ग बहन पर दिन लगी गुरु जी अब्बा सीधे सर दे टुट मान गया शुरफादा सर रख रहा रिधि गर्दन ते रिया गाजी वल वल आधा घोड़न वादन घोड़ा ऊ पासे घिनवंज
जै पासे होवे अते ढेर हजो सिपादा मैं कुजीन तो लहदिया बिन बाजुआ दे ना देखे चन जहा सही है तुसी हुक्म कीता मैं बैंड पढ़न लगा चार साल दी बतूल आई है जिहड़े चाचा नजर नहीं आए ना जिहड़े हाय कह सकदे मातम करना चाहते हो आओ जल्दी दिए धीआं दी गुरबत ते बैंड करो काफी देर चाचा नजर नहीं आया मसुमा हाथ जोड़ के भी बाबा नहीं कोई लोड़ पानी दी मैं को चाचा मिला बाबा आओ जींदा है हाय नहीं कह सके भी सब मैंने माफ कर देना दिल दुखे सही जुमला थोड़े हाथ से पढ़े इस बाद मेरे मौला की छवि ले आना इतने बाद भी जमातम करना है चार साल दी वो चाहती है जिते छह माह का फिरा पीएंगे चे फिरा नु जाके दीवी रो के दी इहो जामे है वी रस गई असा पानी ना होने मंग से तुरदी तुरदी आइए अपने छे मात बिरा नू पीउ दे कदमा तरके दी बाबा लखिन बजवेर में देखो शबीर अपना भुला बाबा लखिन बजवेर हल तई मात नहीं कर सके खाली घोड़ा खैमे दे पासे भाई जाए चार साल दी बतूल ने मोते मातम कीते बाबे दे पासे रोके दी बाबा ए खाली मशक अलम जसदा तन चाचे होने कोई नहीं